तो ये है उड़ीसा की स्पेशल मिठाई रस बाली। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पैन, इसमें ऐड करेंगे मिल्क, आप कोई भी मिल्क ले सकते हैं। इसमें ऐड करना है हमें मिल्क पाउडर, 2 टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद इसमें हमें ऐड करना है केसर, इसे कलर अच्छा आएगा और टेस्ट अच्छा आएगा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे शुगर, 2 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे धीमी आँच पे 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे और ये रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। पनीर लिया है, 1 टेबल स्पून आटा, 1 टेबल स्पून सूजी को ऐड करके इसे अच्छे से इसका डो तैयार कर लेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं करना है हमें, इसे इस तरीके से इसका डो तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर इसके पेड़ के साइज में इसे सारे इस तरीके से हम बना लेंगे। उसके बाद हमें इसे घी में गोल्डन फ्राई करना है, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। गोल्डन फ्राई करके इसे हमें रबड़ी में डिप करके 5 से 10 मिनट तक इसको हम ढक कर रख देंगे, जिससे थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। 5 से 10 मिनट बाद आप इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें हमने सिल्वर फॉयल भी ऐड किया है, तो ये रेडी हो गई है। आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा करके इंजॉय कर सकते हैं एंड ये आप ट्राई ज़रूर करिए, बहुत टेस्टी बनती है।